सीतामढ़ी की जनसभा में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा, मोदी जी की सरकार को हिलाने के लिए हमने बनाया है वैक्सीन। जैसे कोरोना को भगाने के लिए डॉक्टरों ने वैक्सीन बनाया था, वैसा ही वैक्सीन है हमारे पास। कहा, अपनी वोट की ताकत से मोदी सरकार से लेंगे आरक्षण का अधिकार। निषाद आरक्षण की मांग को लेकर अपने संकल्प यात्रा के दौरान वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में लोगों को अपने द्वारा बनाए गए वैक्सीन के बारे में बताते हुए कहा कि अगर आप इस वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे तो दिल्ली में बैठी मोदी सरकार हिल जाएगी और निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो आरक्षण में भेदभाव क्यों। उन्होंने अपने जन संबोधन में जनता के हाथ में गंगा जल रखवाकर संकल्प करवाया और वीआईपी पार्टी को मजबूत कर मोदी सरकार का विरोध करने की बात कही। उन्होंने लालू यादव, मुलायम सिंह, बहन मायावती और रामविलास पासवान का नाम लेते हुए कहा कि ये सभी गरीब घर से थे, लेकिन इन लोगों ने अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए संघर्ष किया, जिसका फल आज उनके समाज को मिल रहा है। मुकेश सहनी शुक्रवार को अपनी संकल्प यात्रा के दौरान सीतामढ़ी पहुंचे, जहां हजारों समर्थकों के बीच अपनी ताकत दिखाने का उन्होंने काम किया। मुकेश सहनी ने सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में संकल्प यात्रा ले जाकर निषाद समाज को आरक्षण दिलवाने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो दिल्ली में अलग और बिहार में अलग आरक्षण क्यों। मुकेश सहनी ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सहमुखिया रामबाबू सहनी का धन्यवाद करते हुए 2025 के विधानसभा में रून्नी सैदपुर विधानसभा से उनके नाम की घोषणा की। मुकेश सहनी ने जनता से कहा कि अगर आप सब चाहते हैं तो 2025 के चुनाव में इस विधानसभा से रामबाबू सहनी ही वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। रामपुर हरी से ही मुकेश सहनी के संकल्प यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। सबसे पहले बाइक और गाड़ियों के साथ मुकेश सहनी ने संकल्प यात्रा के दौरान रोड शो किया। उसके बाद कोहाई चौक पर उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद अंत में रून्नी सैदपुर हाई स्कूल में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में काफी भीड़ देखने को मिली, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। बिहार लाइव नाउ के लिए सीतामढ़ी से सरोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। चुनाव का नजदीक आएगा, उस समय में ये थक जाएंगे, बैठ जाएंगे और इसके समाज का वोट हम खरीद लेंगे, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो बनी हुई सरकार खरीद लेता है, बनी हुई सरकार गिरा देता है। वो चाहता है कि आपका वोट खरीद ले और वो नहीं चाहता है कि इंसान का बेटा का आरक्षण हो। आप बताइए ना, ये देश एक ही है, संविधान एक है, फिर हमारे साथ ये तो देश का प्रधानमंत्री जी का काम है आरक्षण देना। इसलिए साथियों, हम लोग सर पे कफन बांध करके निकले हुए हैं अपने हक का अधिकार आरक्षण दिलाने के लिए। इसके लिए आप सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? आप लोग बांध से भाई, चलिए आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो संकल्प लेना पड़ेगा। कोई भी लड़ाई को लड़ने के लिए और लड़ाई को जीतने के लिए मजबूती से संकल्प लेना पड़ता है, निश्चय करना पड़ता है कि हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। और इस लड़ाई लड़ने के लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जो हमने है ना एक ऐसी दवा बनाया है, जैसे कोरोना काल में देश का डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था, वो वैक्सीन बना था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हमने भी एक वैक्सीन बनाया है, वो निशान समाज को सुरक्षित करने के लिए। जितना वैक्सीन लगाइएगा ना, उतना मोदी जी का खुशी हिलेगा और जितना मोदी जी का खुशी हिलेगा, जितना मोदी जी का खुशी हिलेगा उतना वो डरेंगे और जितना वो डरेंगे उतना जल्दी आपका आरक्षण करेंगे। और जब आरक्षण होगा तो निशान का बेटा भी कलेक्टर होगा, एसपी होगा, एसडीओ होगा, वीडियो होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। इसके लिए तो क्या आप लोग संकल्प लेने के तैयार होंगे? तो मजबूती से आप लोग निकालिए वैक्सीन को, जो गंगा जल है जिसे गंगा जल कहते हैं, वैक्सीन का क्या नाम मालूम है? गंगा जल। कितने भी यहाँ पे बांध के भी निशान का बेटा है,
सभी माता बहन सभी लोग निकालिए गंगा जल को, सभी लोग निकालिए। ये धक्का को ऐसे खोलिए और हाथ में लीजिए ऐसे और हाथ को ऊपर कीजिए। ये गंगा जल है, हाथ को ऊपर कीजिए, सब लोग हाथ में लीजिए, हाथ में धक्का खोल के सभी लोग हाथ में लीजिए। सभी पिता भी निशान का बेटा माता बहन है, सभी लोग हाथ में लीजिए और सभी लोग जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं उस तरह से सब लीजिए। बाबा केवल महाराज, भगवान वेदव्यास, प्रभु श्री राम, भगवान भोला प्रसाद, भगवान भोला प्रसाद, बाबा अमर सिंह, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा काशी, बाबा जयसी महाराज, बाबा कालिक महाराज, बाबा कैला, माता कमला, अमर सही सुभा स्वामी, ग्रामना पूरण देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी बन खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि एक एक किसान के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।